यहाँ पे जब भी आता हूँ ना, इन लोगों को समझाता हूँ थोड़ा नॉनवेज कम खाओ, चिकन कम खाओ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग भी सेफ एंड सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जो है कि बिल्कुल नहा धो के, खाना वाना खा के, मस्त नाश्ता करके, नाश्ता क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट खाना खा लेते हैं क्योंकि हम लोगों का काम है ऐसे, सुबह खाओ कि नहीं निकलेंगे तो दिन भर कोई ठिकाना है नहीं, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं साइड इधर उधर जाते हैं तो मिल जाता है बट साइड पर रह जाते हैं तो कहाँ मिलेगा, साइड में तो खाने की दुकान थोड़ी होती। तो निकल पड़ा हूँ, चल रहा हूँ, थोड़ा सा वो टाइल काटने वाला ब्लेड लेना है, वो लेके फिर थोड़ा ATS जाऊँगा, वहाँ पे जाके फिर देखूँगा आगे क्या होता है, उसी हिसाब से फिर मैनेज करूँगा। फिलहाल अभी चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज जो है कि ज़्यादा कहीं कुछ गया नहीं, ATS गया, वहाँ बैठा रहा, बंदे काम करते रहे, उसके बाद मैं डायरेक्ट आज काफ़ी दिनों के बाद जीरकपुर वाले घर पे आया हूँ। तो यहाँ पे आके देखा, मेरा एक भतीजा है राहुल, वो बीमार पड़ा है बेचारा, उसको फीवर उवर हो रखा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये दीपक है, उसको जो है कि 4 बजे दवा के लिए साइड से चला आया था, तो मैं फ़ोन किया इसके पास, कहाँ है भाई तू, तो बोला राहुल को बुखार हो गया है तो उसको जो है कि दवा दिलवाने आया हूँ। तो पूछता हूँ कैसा बुखार हुआ है। अरे वो काम वाम कर रहा था, उसका आँखों लाल हो गया, शरीर पूरा गर्म हो गया था। उसको पहले भी ऐसे बुखार हुआ था, एकदम आँखों लाल हो जाता है, एकदम पूरा हिलने लगता है, ऐसे हुआ था ना। ठंड उंड लग रही थी, डॉक्टर के पास गया, दिखाया, दवा दिया, बोला कल आके ब्लड वोड चेक करेंगे। अच्छा, ब्लड वलड नहीं लिया? नहीं, बोला आज बुखार कम होगा तभी लेंगे। अच्छा अच्छा, कल ले जाएंगे, बुखार उखार कम होगा तो ब्लड वोड चेक करेगा। रूम में सोया है ना? हाँ, रूम में सोया है। तो फ्रेंड्स, देखता हूँ रूम में सोया है, दवा वा खाया ना? दवा वा खा के सोया है, अब उसी से पूछता हूँ। हाँ राहुल, क्या हाल है, तेरे को बुखार है तो देख रहा हूँ, मोबाइल वोबाइल चला रहा, दीपक बता रहा तेरे को बड़ा तेज बुखार हो गया है, हैं? तू तो हंस रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, बुखार हो गया तेरे को? हाँ। जोर से हो गया? 103। दवा खाया है कुछ? आराम आराम नहीं तो मोबाइल कैसे चला रहा है? हाँ? देखे फ्रेंड्स, इसको हुआ है फीवर दवा के, और एक कम्बल ओढ़ के किस तरह से मोबाइल वोबाइल चला रहा है, उधर दो दो को लैपटॉप लेके सोया है, उधर देख रहे हैं पैरासीटामोल उसी तरह बिखरा पड़ा हुआ है। ये देख रहा हूँ बड़ा फ्रूट रूट लाया है, ये काम पहले करना चाहिए ना, बुखार होने से पहले ये सब चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है? जब बुखार होता है तब तुम लोगों को समझ में आता है कि ये खाना है वो खाना है। यहाँ पर जब भी आता हूँ ना, इन लोगों को समझाता हूँ थोड़ा नॉनवेज कम खाओ, चिकन कम खाओ, हैं, और थोड़ा हरी सब्जियां खाओ। ये लोग समझता नहीं है, रोज़ शाम को चिकन खाता है और पता नहीं क्या क्या खाता है, जिस दिन मंगलवार रहेगा उस दिन वो पनीर खा लेगा, यानी रोज़ मसाले वाला इन लोगों को चाहिए। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों को फीवर उवर जब हो जाता है तो ये लोग जाते हैं सेब खरीद के लाते हैं और कीवी खरीद के लाते हैं, पहले से नहीं समझ में आता है, पहले समझ बात समझ में नहीं आती है, बाद में आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी शाम हो गई है, रात है, हो गई समझो कितना। फ्रेंड्स, अभी जो है कि शाम के 6:30 हुए हैं, लेकिन अभी दिन छोटा हो रहा है ना, मौसम ठंडा आ गया, दिन छोटा हो रहा है इसलिए पूरा अंधेरा हो गया, और आप इस तरह देख सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखता है जीरकपुर वाले मकान से, यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखता है, मतलब यहाँ पर अब मौसम भी उतना गर्म नहीं हो रहा है, ठंडा हो रहा है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे टेरिस पे आके। ये टेरिस पे एक रूम बना है ना, इसी में ये लोग रहता है, कभी कभी मैं भी यहाँ पे स्टे कर जाता हूँ, अब की बार तो काफ़ी दिनों बाद आया फ्रेंड्स, और कोई नहीं अभी रूम पे भी जाना है हमको, तो मैं सोचा उसको बुखार हुआ है तो चलूँ इन लोगों से मिल उल के आऊँ, तो आके फाइनली इन लोगों से मिल लिया, अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाऊँगा, रूम पे चला जाऊंगा।
फाइनली गैस जो है कि मैं रूम पे आ चुका था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं चाहूँगा कि इस ब्लॉग को यहीं पे द एंड करें, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। अगर हमारा वीडियो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।